हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा पाठक, शोभा फ्रेश किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सूजी का कुछ नई रेसिपी बना रहे हैं। चलिए, किस तरह बनाना है वो हम बताते हैं आप लोगों को। तो ये हम सूजी को दही में अच्छी तरह से हम गूंथ लिए हैं, मिला लिए हैं 2 घंटे के लिए। ये सूजी इसको हम भिंगा के ले लिए हैं, जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। सूजी को दही में भिंगा के ले लिए हैं, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसी तरह से होना चाहिए, ज़्यादा ना गाढ़ा कड़क और ना ज़्यादा गीला। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। अब हम ये जाली ले लिए हैं, इस पे हम तेल से हम ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसी साइज का बना के हम इसमें रखते जाएंगे। आप हाथ से भी बना के डाल सकते हैं। इसमें सारा हम डाल देंगे, नहीं तो आप हाथ से भी बना के डाल सकते हैं। इधर हम पानी गर्म कर लिए हैं और इसमें ये स्टीम कर लेंगे हम, ढक के पका लेंगे इसको अच्छी तरह से। देखिए हम सोडा वोडा नहीं डाले हैं। देखिए ये हो चुका है। इसको चेक कैसे करना है आपको किसी चीज़ से, देखिए ये चिपकता नहीं है, मतलब हो चुका है। अब इसको हम उतार लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या करना है इसको, अब इसमें हम तेल डालेंगे 1 चम्मच। राई, सरसों, अब इसमें हम प्याज को डाल देते हैं और कड़ी पत्ता। ये रेसिपी बनाइए और बच्चों को दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। कभी भी किसी टाइम आप दे सकते हैं। अब इसमें ये हरी मिर्च लंबा लंबा काट के हम डाल दिए, और ये शिमला मिर्च बारीक काट के डाल दिए हैं, और अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। इसको भी हल्का हम भून लेंगे। अब इसमें हम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और ये बारीक कटा हुआ टमाटर, अब इसमें ये हम मिनी इडली डाल देंगे, जो बड़ा है उसको काट दिए हैं। और इसको हम अच्छी तरह से मिला दिए। ये आप ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाए खाए, देखिए सारे बच्चे बाहर जाना भूल जाएंगे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब
अब इसमें हम हाफ चम्मच तिल डालेंगे केवल टेस्ट के लिए, थोड़ा सा क्रंची के लिए। अब हम ये उतार देते हैं। आपको सॉस डालना है तो डाल के खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और सारे खाएंगे स्वाद लेकर। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक भी करें, शेयर भी करें। अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को और सर्व करते हैं। देखिए सर्व हम कर दिए हैं। देखिए देखने में कितना टेस्टी लगता है, खाने में भी अच्छा लगेगा। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, बनाएं, खाएं। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।